हेलो क्रिकेट लवर्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई आज हम कंपेयर करने वाले हैं किसको, चेन्नई सुपर किंग और दिल्ली कैपिटल्स को। तो इन दोनों के बीच आज सेकंड मैच होने वाला आईपीएल का, तो उसके ऊपर थोड़ा सा प्रीव्यू कर लेते हैं कि इन दोनों टीमों में क्या खास है। तो भाई चेन्नई सुपर किंग और दिल्ली कैपिटल में जिसे बोलते हैं गुरु और शिष्य की एक तरीके से लड़ाई, यानी प्रिंसिपल और स्टूडेंट की लड़ाई है। तो यहाँ पर ऋषभ पंत हर सेक्टर में अपने आप को प्रूव करते हैं, क्या वो चेन्नई के खिलाफ अपने आप को प्रूव कर पाएंगे? तो चलिए दोनों टीमों को कंपेयर कर लेते हैं और दोनों टीमों के प्लेइंग 11 आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम चेन्नई के प्लेइंग 11 शेयर कर लेते हैं। लगभग तो ऑलमोस्ट सेम ही है, आपको पता चलेगा कि चार फॉरनर्स खिलाड़ी होते हैं, इंडियंस होते हैं और कीपर्स कौन है। तो भाई इसमें जो चेन्नई की तरफ से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे वो आएंगे ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डुप्लेसी। तो ये दोनों लास्ट के 3-4 मैचेस में बहुत अच्छा खेले थे, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा ये अपना स्ट्राइक रेट को बढ़ाएं जिससे कि चेन्नई की सुपर किंग की टीम और दमदार शुरुआत दे सके, क्योंकि वानखेड़े में खेलने वाली है, वहां पे पेस जरूर चाहिए होगा। और वन डाउन आएंगे आपका सुरेश रैना, मिस्टर आईपीएल आप सब जानते हो, इन पर बहुत डिपेंडेंट है चेन्नई और इनका परफॉर्मेंस बहुत मायने रखता है चेन्नई के लिए, क्योंकि वन डाउन जो खेलने आता है वो टीम का जिसे बोलते हैं कि आइडल बैट्समैन होता है। टू डाउन आएंगे आपके अंबाती रायडू, उसके बाद एमएस धोनी आपको खेलते हुए दिखेंगे और उनके बाद जडेजा ब्रावो मिडिल ऑर्डर संभालेंगे। अब उसके बाद बात करते हैं डाउन मिडिल ऑर्डर यानी सबसे लोअर मिडिल ऑर्डर, तो उसमें आपको मिलेंगे कौन, ब्रावो, कुरन, मोइन अली, शार्दुल ठाकुर एंड दीपक चहर। तो भाई बॉलिंग तो इनकी अच्छी लग रही है और जैसे आप जानते हो धोनी को ऑलराउंडर्स बहुत पसंद है, तो इसमें अभी कृष्णप्पा गौतम को शुरुआती मैचों में मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सब जानते हो जब जॉश बैंड्रॉफ आ जाएंगे तब वो नीचे बॉलिंग साइड में आ जाएंगे और ऊपर कौन संभालेगा, वो कृष्णप्पा गौतम जडेजा के साथ संभालते हुए नजर आ सकते हैं। तो भाई मिडिल ऑर्डर की तलाश है चेन्नई को और काफ़ी अच्छी टीम दिख रही है, बैलेंस दिख रही है। अब इनका कंपेयर करते हैं कैसे दिल्ली कैपिटल से, जिनके कप्तान अभी नए कप्तान बने हैं ऋषभ पंत, तो इनकी तरफ से ओपनिंग भी तय है। पृथ्वी शॉ और शिखर धवन ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। वन डाउन स्टीवन स्मिथ, तो स्टीवन स्मिथ को बिल्कुल हल्के में मत लेना, उनको सोच रहे कि वो एक 50 ओडीआई बैट्समैन है, तो नहीं, वो एक T20 बैट्समैन भी है और वो जितना तेज आप उनसे चाह सकते हो वो दे सकते हैं। अब टू डाउन को नहीं, यहाँ पे टू डाउन आ सकते हैं अजिंक्य रहाणे, तो भाई यहाँ पे किसी और पावर पैक प्लेयर को ढूंढ सकते हैं, परंतु अजिंक्य रहाणे भी को भी अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाने की जरूरत होगी। अब थ्री डाउन पे बात करेंगे, थ्री डाउन पे कौन आ सकते हैं, ऋषभ पंत आएंगे आपके और कप्तान है, या ऊपर भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एज फिनिशर भी इनको देखना होगा और टीम के अंदर बैलेंस मेंटेन रखना भी सबसे ज़्यादा जरूरी है। उसके अलावा बात कर ले तो स्टॉइनिस खेलते हुए नजर आएंगे पंत के बाद, तो भाई अच्छा प्ले लिए इन्होंने, ऑलराउंडर्स है। और इनके बाद बात करें तो ललित यादव या अमित मिश्रा खेलते हुए नजर आ सकते हैं एज स्पिनर ऑलराउंडर्स। तो भाई स्पिन में ललित यादव है, तो भाई दिल्ली कैपिटल की टीम में यंगस्टर है और मिडिल ऑर्डर काफ़ी इनका जिसे बोलते हैं न्यू है, यंगस्टर है, तो इनके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट करेगा। इनके बाद बात करें तो रविचंद्रन अश्विन मिलेंगे आपको एज ऑलराउंडर, वो भी बॉलिंग ऑलराउंडर, परंतु बहुत अच्छी जिसे बोलते हैं गेम दिखाते हैं वो। इनके अलावा क्रिस वॉक्स, टॉम कुरन बॉलिंग संभालते हुए नजर आएंगे और लास्ट में आपको मिल सकता है इंडियन पेसर, दो स्पिनर और तीन पेसर के साथ दिल्ली कैपिटल की टीम जा सकती है। आवेश खान, ईशांत शर्मा, उमेश यादव, इनसे आप खिला सकते हैं 11 नंबर में। तो भाई यहाँ पे इनकी टीम बहुत बैलेंस्ड नजर आ रही है, काफ़ी अच्छी नजर आ रही है, तो जिसे बोलते हैं उन्होंने आपको अपनी टीम में स्पेशलिस्ट खिलाड़ी बहुत जरूरी होते हैं। और दिल्ली और चेन्नई की टीम आप सब जानते हो वानखेड़े में खेलने वाली है, वहाँ पे जो बॉल है वो और तेज़ आता है और बॉल की स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे कम से कम 180 प्लस तो स्कोर कम से भी कम होना चाहिए। अगर वहाँ पे 150 से 170 के बीच होता है तो चेज बहुत इजी होगा। अब वानखेड़े को जानते हो, वहाँ पे टच करती बहुत तेज बॉल जाती है और बहुत तेज उछाला, बहुत अच्छी बैट पे आती है, तो मैच हाई स्कोरिंग हो सकता है, मेरी तरफ से ये प्रेडिक्शन है। और दोनों टीमें काफ़ी बैलेंस लग रही है और जितना मैंने बताया 99% तक वही प्लेयर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो आप बताइए आपकी प्लेइंग 11 क्या है और आप कौन से टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और आप आईपीएल से कैसे जुड़े हुए हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और जिसे बोलते सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना कौन सी फेवरेट टीम है और आपकी इन दोनों में से कौन सी फेवरेट है। तो भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग कंटेंट के साथ।